हम तो सोच रहे थे एक ही शादी करानी होगी, लेकिन तो लगता दो साथ करानी पड़ेंगी। अरे उठी, इस्लाम में तो चार जायज हैं। आपकी बात नहीं हो रही, बात मेरे बच्चों की शादी की हो रही है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों लड़के एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और ये तो और अच्छा हो जाएगा कि दोनों की बीवियां भी एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगी। लेकिन वो जो दो चुड़ैले आएंगी उनको कौन संभालेगा? तो वो कौन? अरे भाई, एक तो जैद की माँ, और वो फराज की माँ भी कम नहीं है। अरे उनको तो मैं संभाल लूंगी, असल मसला तो मदन के बाप का है, उनकी फिक्र कीजिए बस। नहीं, उसकी कोई फिक्र ना करें आप, वो कोई मसला नहीं है। हल तो बहुत सारे हैं बेगम साहबा, लेकिन जहाँ रिश्ते निभाने होते हैं वहां बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। ठीक है, मसला कोई नहीं हो इंशाल्लाह। क्या कर रहे हो? ओहो, बस तुम सुनिए, कैसे इतनी जल्दी वापस आ गई? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मकान के कागजात तलाश करो, बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। पता नहीं किन किन लोगों के साथ घूम फिर रही है। किसी के साथ किसी दिन दफो चक्कर हो गए ना, तो ये प्रॉपर्टी तो तुमने उसके नाम की हुई है ना, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। ये प्रॉपर्टी अदन के बाप की है, जिसपे सिर्फ अदन का हक है। ये प्रॉपर्टी बेच के मुझे उसकी शादी करनी है। तुम्हारी जेब से तो एक फूटी कौड़ी नहीं निकलनी है उसके लिए। अच्छा, तो ये सब कुछ मेरे पीछे चल रहा है? तुम और तुम्हारी बेटी मिले हुए, वो लोग जिस दिन इस घर पे आए थे ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि बात बड़ी लंबी है। देखो बेटा, एक्चुअली मैं लड़कियों को इस तरह अकेले घर भेजने के खिलाफ हूँ, लेकिन तुम्हारे वालिद की नाराजगी की वजह से इजाजत दे रहा हूँ तुम्हें। सच पूछे तो मेरा भी घर जाने का दिल नहीं चाह रहा। मैंने जिंदगी भर अपनी दोस्तों की फैमिलीज को इतने हसरत से देखा, और आज मुझे लगा कि जैसे मेरी भी एक फैमिली है। बेबी, इतने जोर से गले मत लगाओ, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। चुप रहो बदमाश, अब आज से ये भी मेरी बेटी है। हैं? मतलब कि मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, मोहब्बत, खिदमत, उसको इनकी एक दिन की मुलाकात के बराबर कर दिया आपने? नॉट फेयर जज साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। अरे फोन बज रहा है, एक संग घर से होगा। जीती रहो बेटा। हेलो, हाँ जी, क्या क्या हुआ तन? हाँ जी, मैं आ रही हूँ।